हरिपुरधार के पास से रोड रोलर का एक टन से भी भारी वजन का टायर उड़ाकर भागे चोर। डीएसपी संगड़ा के अनुसार मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी है पुलिस। ठेकेदार महेश कुमार के अनुसार गहल रोड की मेंटेनेंस के लिए काफी अरसे से यहां खड़ी रखी थी सड़क पक्की करने वाली मशीन। पुलिस थाना क्षेत्र संगड़ा के अंतर्गत आने वाले नौराधार के पास से इससे पहले 10 टन जीआई पाइप, 4 क्विंटल का रोक ब्रेकर जैसी भारी भरकम चोरियां भी चर्चा में रही। रोक ब्रेकर व सरकारी पाइप की चोरी में लोकल चोर के अलावा बाहर के कबाड़िये व अन्य लोग भी संलिप्त पाए गए। नागरिक उपमंडल अथवा पुलिस थाना क्षेत्र संगड़ा के अंतर्गत आने वाले हरिपुरधार हेलीपैड के समीप से कल रात चोरों ने एक टन से भी ज्यादा वजन वाले रोड रोलर के लोहे के टायर व रोलर को चुरा कर पुलिस व आम लोगों को हैरानी में डालने वाला कारनामा कर दिखाया। जानकारी के अनुसार उक्त रोड रोलर काफी टाइम से हरिपुरधार हेलीपैड से कुछ दूरी पर गहल रोड पर खड़ा था और संभवतः जेसीबी मशीन व टिप्पर की मदद से चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। ददाहू के रहने वाले ठेकेदार महेश कुमार गोयल ने पुलिस को दी गई शिकायत में कहा कि गत रात रोलर का अगला टायर चोरी हुआ और आसपास के लोगों ने आधी रात को यहां जेसीबी चलने की आवाज भी सुनी है। उन्होंने बताया कि करीब 12 क्विंटल के इस टायर और रोलर की कीमत 2.5 लाख के करीब रहती है और उन्होंने गहल रोड की मेंटेनेंस के लिए काफी अरसे से यहां इस मशीन को रखा था। जानकारी के अनुसार सिरमौर के पुलिस थाना संगड़ा में पहली बार एक टन से भारी वजन वाले रोड रोलर के टायर की चोरी हुई और ठेकेदार अथवा इसके मालिक को पिकअप जैसे छोटे वाहन में भी ना ले जाए जा सकने वाले लोहे के उस टायर की चोरी की उम्मीद नहीं थी। गौरतलब है कि इससे पहले पुलिस थाना क्षेत्र संग्रह के अंतर्गत आने वाले नौराधार से गत वर्ष करीब 4 क्विंटल वजनी जेसीबी का रोक ब्रेकर भी चोरी हुआ था और जून 2022 में पकड़े गए चोरी के आरोपियों में दो युवा नौराधार तहसील के अंतर्गत आने वाले भंगाड़ी व ठोटा गांव के रहने वाले बताए जा रहे थे। इससे पहले नौराधार के समीप से जल शक्ति विभाग की करीब 10 टन वजन की जीआई पाइप भी चोरी हो चुकी है। हालांकि सिंगल पाइप का वजन कम होने के चलते इस चोरी में जेसीबी मशीन के इस्तेमाल की जरूरत नहीं पड़ी थी। इन दोनों चोरियों में स्थानीय लोगों व कबाड़ियों अथवा स्क्रैप डीलर्स की भी अहम भूमिका रही थी। डीएसपी संगड़ा मुकेश कुमार डाडवाल ने बताया कि महेश कुमार की शिकायत पर रोलर के टायर चोरी होने के मामले में पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन शुरू की जा चुकी है और चोरों को पकड़ने के प्रयास भी शुरू किए जा चुके हैं। बहरहाल पहली बार क्षेत्र में हुई एक टन से भारी वजनी लोहे के टायर अथवा रोलर की चोरी चर्चा में है और ऐसे में सड़कों अथवा वीरान जगहों पर अपनी मशीनरी अथवा अन्य चीजें खड़ी करने वाले लोगों को इनकी रखवाली की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। मैं महेश गोयल, पीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रैक्टर, ददाहू से। मेरा रोलर थ्यानबाग से गहर रोड पर 2 किलोमीटर पर खड़ा है। कल रात कोई जेसीबी से रोलर का टायर तोड़कर चोरी कर लिया गया है। मैंने इसकी शिकायत हरिपुरधार पुलिस जोंगी में की है। जिसने भी यह चोरी किया उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।